हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ दरभंगा बिहार से डायरेक्टली जुड़ रहे हैं सुशील भगत जी, जो कि कम से कम 2018 से फैंटेसी खेल रहे हैं। तो सुशील जी, हमारे सभी यूजर्स को आपकी फैंटेसी जर्नी के बारे में बताइए। जी 2018 से खेल रहे हैं, कमसम ज्यादातर तो विनिंग ही हो रहा है। पहले हम दूसरे टेलीग्राम चैनल से टीम लेकर के खेल रहे थे, जी उसके बाद धीरे 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 खुद भी कोशिश किए और कोशिश करते गए और सफलता मिलता गया और लास्ट ओके में परफेक्ट लाइनअप का ऑप्शन मिला। तो जब से परफेक्ट लाइनअप से जुड़े हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि डाटा कैसे सेलेक्ट करना है, क्या करना है, मतलब किस तरीके से उस पे मतलब ये करना है। जी लेकिन इस समय जो परफेक्ट लाइनअप दे रही है मैम, इसका जवाब नहीं है। हर चीज का एनालिसिस है, बस देखने वाले और समझने वाला का आंखें चाहिए और दिमाग चाहिए कि हम इसको किस तरीके से गाइड करें और किस तरीके से टीम बनाए। वहां एक ऑटो जनरेट भी होता है, तो हम तो जो टीम बनाते हैं वो ज्यादातर खुद एनालिसिस करके बनाते हैं, ऑटो जनरेट पर नहीं जाते हैं मैम, और उससे अच्छा लाभकारी भी मिलता है। जीएल रैंक में कम से कम मतलब मान लीजिए कि 3-3.5 लाख मेंबर्स में अभी एक T10 खत्म हुआ है, उसमें भी मेरा 1400-4000 रैंक पर है। जी That's great. And सुशील जी, जैसे आपने बताया कि आप खुद डेटा एनालाइज करके अपनी टीम बनाते हैं, तो क्या आप हमारे यूजर्स को आपकी ये पूरी प्रोसेस समझाएंगे कि सबसे पहले आप क्या देखते हैं और उसके बाद कैसे आप अपनी टीम बनाते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि बैटिंग ऑर्डर क्या है। बैटिंग ऑर्डर के बाद हम प्लेयर के डाटा पर जाते हैं और प्लेयर के डाटा पर जाने के बाद उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं कि कौन बॉलर है, कौन बैट्समैन है, इसका चेकिंग करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि बॉलर 4 ओवर कर सकता है, कौन सा बॉलर 1 या 2 ओवर कर सकता है, तो जो 1-2 ओवर करता है बॉलर उसको रियर केस में लेते हैं। लेकिन जो डेथ का बॉलर होता है फैंटेसी में, तो डेथ का बॉलर ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है और टॉप बैट्समैन जी और टॉप बैट्समैन टॉप 4 बैट्समैन लेने का प्रयास करते हैं हमेशा, पिच के अकॉर्डिंग पिच के अकॉर्डिंग टॉप 4 बैट्समैन आप सिलेक्ट करते हैं, राइट? जी। और डेथ ओवर में जो बॉलर्स मेनली आने वाले हैं, आप उनकी उन्हें ही सिलेक्ट करते हैं अपनी टीम में? जी जी मैम। एंड बेसिकली सबसे पहले आप बैटिंग ऑर्डर देखते हैं, देन प्लेयर का डेटा, उनका परफॉर्मेंस, और फिर उस अकॉर्डिंग प्लेयर्स को लॉक करके अपनी टीम बनाते हैं। जी मैम। ओके ग्रेट। सो हमें हमारे सभी यूजर्स को ये पता चला कि किस तरीके से एक टीम अच्छी बेहतर टीम बनाई जा सकती है डेटा को एनालाइज करके, क्योंकि कई यूजर्स देखा जाए तो सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देते हैं जो भी टीम्स आती है, लेकिन इस तरीके से डेटा को एनालाइज करके अपनी टीम बनाने से एक बेहतर टीम आपको मिल सकती है। वो इसी तरीके से और विनिंग भी, मतलब इस समय में हम ज्यादा खेल नहीं रहे हैं लेकिन विनिंग अच्छी हो रही है, विनिंग में नो डाउट है। और कभी कभी T10 का मैच तो इतना रिस्की हो जाता है, जो कोई कोई मैच में मान लीजिए लॉस का भी सामना करना पड़ता है, हर मैच में परफेक्ट जाता नहीं है। वो तो बात सही है कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप हर बार जीतेंगे, क्योंकि क्रिकेट गेम इज अनप्रेडिक्टेबल। ओके जी मैम। सुशील जी, हमें ये बताइए कि जब परफेक्ट लाइनअप आप नहीं यूज करते थे, तो ये जो पूरा आपने डेटा आपने बताया कि बैटिंग ऑर्डर, उसके बाद प्लेयर की परफॉर्मेंस, ये सब आप कहाँ से देखते थे? ये पहले मैम जो इंटरनेशनल मैच हुआ करता था उसका तो डाटा हमको आसानी से मिल जाता था क्योंकि गूगल पे उसका डाटा रहता था। लेकिन ये T10 वगैरह जो है या फिर श्रीलंका प्राइम लीग वगैरह चलता रहता है तो उसका डाटा नहीं मिल पाता था, खोजने में हम असमर्थ रहते थे और चूंकि मेरे पास समय नहीं हुआ करता था उतना ज्यादा, तो इसलिए करके हम उतना नहीं खोज पाते थे। तो इसलिए करके उसमें अपने मन से ही जैसे मन होता था उसी हिसाब से लगा देते थे, लेकिन लॉस का ही सामना करना पड़ता था। ओके जो कि परफेक्ट लाइनअप से जुड़ने के बाद ऐसा नहीं होता है। तो कैसे परफेक्ट लाइनअप आपकी मदद कर देता है? परफेक्ट लाइनअप मैम बताए तो कि
वहां पे हर चीज हमको मिलता है इसलिए करके। और ज्यादा करके मान लीजिए कि T10 के टीम लीग में 1 घंटा बिफोर लाइनअप आ जाता है तो हमारे पास बहुत समय रहता है, तो समय के बेसिस पर एक एक चीज का एनालिसिस कर लेते हैं कि भाई इस ग्राउंड पे कौन सा चलना है, बॉलर कौन सा बैट्समैन चलना है, फील्डर चलेगा या टॉप ऑर्डर चलेगा, तो इसलिए करके परफेक्ट लाइनअप इज द वेरी मस्ट मेरे लिए। ओके दैट्स ग्रेट। ये बेसिकली यही चीज है कि परफेक्ट लाइनअप पर आपको जो लीग्स की आपको इन्फॉर्मेशन तक नहीं है उस लीग का पूरा डेटा आपको एक साथ मिल जाता है, जिसके कारण आपका टाइम काफी ज्यादा बच जाता है। जी टाइम बच जाता है और विनिंग का भी भरोसा रहता है, मैं ये भरोसा डर रहता ही नहीं है कि आज लॉस हो जाएगा। ओके दैट्स ग्रेट। सो सुशील जी हमें बताइए कि जैसे आप काफी टाइम से परफेक्ट लाइनअप यूज कर रहे हैं, कई सारे फीचर्स आप इसमें यूज करते हैं, लेकिन आपका सबसे फेवरेट फीचर कौन सा है? सबसे फेवरेट ये है PL पावर रैंकिंग। ओके पावर रैंकिंग फीचर, जिसमें आपको लिस्ट मिल जाती है प्लेयर्स की उनकी रैंक वाइज। जी मैम। ओके और उसके बाद बैटिंग ऑर्डर और मेनू रिपोर्ट, ये 3 चीज मेरे लिए बहुत मस्ट है परफेक्ट लाइनअप से। ओके दैट्स रियली ग्रेट। एंड सुशील जी हमारा लास्ट क्वेश्चन बस ये रहेगा कि जो न्यू यूजर्स हैं उन्हें आप अपनी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अपने तरफ से मैम क्या एडवाइस देना चाहेंगे, एडवाइस इसी यही रहेगा कि जो भी लोग फैंटेसी खेलते हैं या वो किसी साइड पर खेलते हैं, एक बार परफेक्ट लाइनअप पर भरोसा जता करके वो इस चीज को देख सकता है, आजमा सकता है कि मतलब कितना बेटर है। जब से हमने लिया हमें बहुत अच्छा लगा और हम अपने दोस्त लोग को भी बताए हैं 2-4 लोग को। ओके वो लोग भी बोले हैं कि ठीक है हम भी लेंगे। हम कह रहे लेना मतलब लेट करने से कोई फायदा नहीं है, जब तक आप लीजिएगा ना आप एनालिसिस नहीं करिएगा, क्योंकि समझने में भी थोड़ा सा समय लगता है, वक्त लगता है। बिल्कुल। तो आप 1-2 बार यूज कीजिएगा, आप मेरे मोबाइल से यूज कर लीजिए, उसके बाद आप ले लीजिए, क्योंकि हर समय तो हम आपके साथ रहेंगे नहीं। बिल्कुल। आप जहां भी रहिएगा आप डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से बेहतरीन टीम बना सकते हैं। बिल्कुल। किस तरह से आप डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, उससे क्या इंसाइट्स निकाल रहे हैं और कैसे अपनी टीम बना रहे हैं, उस पर टोटली डिपेंड होता है। जी मैम। ओके एंड लेकिन देखा जाए तो काफी सारे यूजर्स कॉपी पेस्ट करके ही टीम बना लेते हैं, तो उन लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैम देखिए कॉपी दरअसल ये है कि जब भी हम कोई फैंटेसी खेलते हैं तो कॉपी पेस्ट तो होना ही नहीं चाहिए। कॉपी पेस्ट से मान लीजिए कि हम प्रॉफिट के लिए खेलते हैं, हमेशा हर लोग का सोच यही रहता है कि हम प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न करें, अपने लिमिट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन उसमें क्या होता है, कॉपी पेस्ट करने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई टेलीग्राम चैनल, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल है, वो टीम प्रोवाइड करता है, तो वो खुद भी तो वो टीम ज्वाइन करते हैं और लास्ट में लाखों मेंबर उनके साथ ज्वाइन करते हैं। तो हम यदि उनका टीम कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमारा रैंक लेस, जो हमारी सोच है इच्छा है कि हम ज्यादा से ज्यादा विनिंग करें, उसमें वो कटौती हो जाता है। इसलिए करके किसी हम यही सलाह देना चाहेंगे कि कभी भी कोई भी यूजर कॉपी पेस्ट ना करे। बिल्कुल जी। सो सुशील जी कोई ऐसी आप कोई ऐसा फीचर चाहते हैं जो हमारे ऐप में और ऐड होना चाहिए? नहीं मैम अभी तो मेरे लिए परफेक्ट है। ओके हमें नहीं लगता कि कोई इसमें कमी है कोई चीज। ओह दैट्स रियली ग्रेट। वैसे तो हम कोई ना कोई फीचर अपडेट कर ही देते हैं हमारे फैंटेसी यूजर्स का एक्सपीरियंस और बेटर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच सुशील जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड अगर आप ऐसी तरह और जीतते हैं तो प्लीज अपने स्क्रीनशॉट्स हमारे साथ व्हाट्सएप पे बिल्कुल शेयर करें, हमें बहुत खुशी होती है देख के कि हमारे यूजर्स जो ऐप यूज कर रहे हैं वो जीत रहे हैं आपको यूज करके। जी मैम। जी मैम एकदम मैम। ओके आज से कोशिश करेंगे मैम कि हर मैच का मतलब जो भी अच्छी रैंक आए उसका हम विनिंग स्क्रीन शॉट टीम के साथ आपको शेयर करने का। बिल्कुल बिल्कुल दैट्स रियली ग्रेट। सो थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सुशील जी, आपसे बात करके मुझे बहुत वेलकम वेलकम वेलकम। ओके गुड बाय जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा। बाय बाय।
बाय।